मूव इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। देखिए, ये तेजस्वी यादव का आवास है जो पोलो रोड स्थित है, उनको मिला है। इसी आवास में कोविड केयर सेंटर खोला गया है। हम वहां पे जा नहीं सकते, अलाउड नहीं है, मगर हमारे साथ हैं शक्ति सिंह जी। देखिए, 3-4 दिन हो गए जब तेजस्वी यादव आकर कहते हैं भाई हमने तो व्यवस्था कर दी, सरकार हमें दे इजाज़त दे या सरकार खुद रन करे। उसके बाद फिर डेडलाइन भी देते थे, जसवी जी बोलते आज शाम तक कुछ ना कुछ बताए। चिट्ठी का जवाब मिला क्या? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने एक रोल मॉडल स्थापित किया है। जी, देखिए बिहार में संक्रमित लोग इलाज के बिना, बेड के बिना, ऑक्सीजन के बिना, दवा के बिना अस्पताल के गेट पर दम तोड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिहार के लोगों ने देखा, मीडिया के लोगों ने देखा। एक महीना तक रचनात्मक सहयोग हम लोग लगातार सरकार को देते रहे। एक 17 से 17 बीत गए, नेता प्रतिपक्ष ने इस हालात को देखते हुए मानवता को ध्यान में रख करके उन्होंने अपने सरकारी आवास के में उन्होंने एक क्वारंटीन सेंटर बनाया, सुसज्जित तरीके से बनाया, जिसमें पूरे ऑक्सीजन से लेकर के दवा, डॉक्टर सबकी व्यवस्था उन्होंने की। तो सरकार को पत्र लिख करके संसूचित किया कि या तो संचालित करिए या संचालित करवा लीजिए। अब हमको हमको आप NOC दीजिए या संचालित आप ही करा लीजिए। आप भी संचालित करवाएंगे तो आपको भी हम भोजन से लेकर करके सब ऑक्सीजन सारे मुहैया हम कराएंगे। तो यह विपक्ष का एक रचनात्मक सहयोग, मानवता को ध्यान में रख करके, संक्रमण को ध्यान में रख करके ये नेता प्रतिपक्ष जी ने एक काम की शुरुआत की। पर अभी तक सरकार का कोई जवाब नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। सरकार पूरी तरह से अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए 15 वर्ष में कुछ किया है क्या बताएं नीतीश कुमार जी? 15 साल में लालू प्रसाद और लालू जी के परिवार को गाली देने के सिवा अच्छा 15 साल में क्या किया? शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ बता दीजिए? सारे टीचर्स का क्या हाल है बताने की जरूरत है क्या? तो फिर सरकार में स्वास्थ्य में क्या किया? फिर सरकार में कैसे? यही तो है ना, यही तो है। स्वास्थ्य महकमा क्या है जी? जहाँ आपका एक संक्रमण को मैं आपका दम तोड़ दिया, बगल में देखिए ना, कई लोग कई देश से सीख लीजिए ना कि 9 महीने में क्या तैयारी कर गया। आपने तैयारी क्या किया? आपको तो ऊपर वाले ने 9 महीने का समय भी दिया, लेकिन आपने तो होश नहीं संभाला। जिस तरह से पटना में हर संक्रमित परेशान हो रहे थे, मतलब एंटीजन का जो WHO का मानक है, एंटीजन 70% करना है, RT-PCR नहीं कर रहे हो, रिपोर्टें नहीं आ रही है, 4 से 5 दिन लग रहा है। 5 दिन हमारा सिपाही कराया है, उसका लगभग हो गया 6 दिन हुआ कराए हुए, अभी तक रिपोर्टें नहीं दिया है। अब बताइए, समझिए कितना सुस्त है ये सरकार, कितना सुस्त है सरकार, जांच के प्रति कितनी संवेदनशील है सरकार, समझने की बात ना है। तो इनके सरकार है, इनके भो को जो कुछ लोग बढ़ाया है इन्होंने, छद्म ज्ञानी लोग हैं इनके यहाँ, छद्म ज्ञान से लवरेज इनके नेता ही हैं। तो उनके जो असर में रहने वाले लोग हैं, जो उनके कसीदे पढ़ते हैं, उसी रूप में पढ़ते हैं। तेजस्वी ने एक बात और कही थी कि 4 साल में एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं आया। बिल्कुल सत्य है, लीडर ऑफ पोजिशन एक गरिमा का पद है। लीडर ऑफ पोजिशन के आप पत्रों का जवाब नहीं देते हैं, कैसे मुख्यमंत्री हैं बिहार के जी? आप किस प्रकार के नैतिकता है आपके अंदर जी? तो अब तो परमिशन नहीं मिलेगा तो चालू जब तक नहीं होगा, कैसे हो सकता है? वही कह रहे थे हम। कोई ऐसा, देखिए आप याद करिए, पिछले कोरोना संक्रमण के दौर में नेता प्रतिपक्ष जब मानवता को ध्यान में रख करके सेवा के लिए निकले थे, तो हम पर कितने केस उन पे हुए, बताने की जरूरत है क्या? जो भी सेवा करने जाता सब पर कैसे करते हैं। अच्छा, तो हम जो इनको फिर चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष निकल का परमिशन ग्रांट करिए ना। पप्पू यादव भी सेवा कर रहे थे। अरे पप्पू यादव का क्या मामला है मैं नहीं जानता। अच्छा। वो सरकार जाने, जो सरकार उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। अच्छा, उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। पप्पू यादव जी का सरकार टिप्पणी हम नहीं करते हैं, वो क्या होता है नाम ही नहीं लेते हैं। जो चीज़ इनका है अपने जाने, सरकार जाने, जिनके इशारों पर काम लोग करते हैं उनको ना पूछिए भाई। अच्छा, तो जी तो ये कोविड केयर सेंटर अभी आप लोग कितने दिन तक ऐसे ही रखिएगा कि भाई इंतज़ार कर लेते हैं सरकार का चिट्ठी कल आ जाएगा, जवाब आ जाएगा या कुछ कह दे, तो कब तक ऐसे ही बना कर एकदम किसी को परमिशन? हमको रियासी इलाका का परमिशन बताएं डिफिनेशन मंगल पांडे। हाँ, रियासी इलाके में नहीं चल सकता है। हाँ, तो कैसे चल रहा है आपको इनकम टैक्स के पास? कैसे गदरीबाग, कैसे आपको गदरीबाग और शास्त्री नगर में अस्पताल चल रहे हैं? ऐसे ऐसे कैसे कैसे लोग, तब ना हम लोग बोलते हैं कैसे कैसे लोग को मंत्री बना दिए, इनको ज्ञान ही का अभाव है। असल बात है, स्क्रिप्ट पढ़ने वाले लोगों के पास अपना कहाँ भेजा होता है, उधर दूसरे के लिखे हुए सब स्क्रिप्टिंग होता है, बस सब स्क्रिप्टिंग होता है।
चलिए देखिए, ये थे हमारे साथ शक्ति सिंह जी, जिन्होंने साफ साफ सीधा जवाब दिया कि अगर ये तर्क दिया जाता है कि रिहायशी इलाके में नहीं हो सकता तो इनकम टैक्स के पास मैंने खुद देखा है कि कोविड केयर सेंटर है, वहाँ पर फिर कैसे चल रहा है? सवाल तो वाजिब है। और दूसरा चीज़ कि जो टेस्ट चल रही है उसका अगर आप RT-PCR कराते हैं तो 5 दिनों के बाद रिपोर्ट आता है, 4 से 5 दिन किए कहे जाते हैं, तो थोड़ा स्वास्थ्य व्यवस्था जिस पर हम शुरू से सवाल उठा रहे वो तो लचर दिख रही है, मगर अब कोविड केयर सेंटर को हरी झंडी मिलेगी नहीं मिलेगी, एक तरह से मंगल पांडे का जवाब सब कुछ बताता है। आप जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।